flying. Whoosh. हेलो गाइज, मैं हूं अमित। और भाई, आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पर एक पोटैटो कैनन जरूर से देखी होगी। पोटैटो कैनन क्या होती है? एक तोप जैसी चीज होती है जिसके अंदर आलू या फिर कोई चीज डाली जाती है और वो बहुत तेज गति से तोप की तरह निकलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पोटैटो कैनन बनाई जा सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बनाओ, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजरस चीज हो सकती है और अगर आपको सीधा प्रोजेक्टाइल लग जाता है तो आपको घायल भी कर सकती है। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई, यहां पर है सामान पोटैटो कैनन बनाने का। सबसे पहले हमें चाहिए भाई इस तरीके का एक पाइप, जो कि है पीवीसी पाइप, 4 इंच इसका डायमीटर है और भाई ये जो है काफ़ी मजबूत है और यही बेसिकली इग्निशन चैम्बर बनेगा। इसी के अंदर आग लगेगी जिससे कि इसको एनर्जी मिलेगी। ये जो है लगभग 1.5 फीट के आसपास है, लेकिन आप देखो कि इसके जो एजेस है ना, उसको हमें थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा, इसको काटना भी पड़ेगा। साथ ही साथ में एक हमें चाहिए 2 इंच का पाइप जिसका जो डायमीटर है 2 इंचेस है और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें लगभग 3 फीट का ये चाहिए हुआ। इसके अलावा हमें चाहिए एक बड़ी कैप जो कि यहाँ पर इसको कवर कर सके, और एक चाहिए भाई हमें रिड्यूसर जो कि है 4 इंचेस टू 2 इंचेस, यानी कि 4 इंची वाला इसमें लग जाएगा, 2 इंचेस वाला इसमें पाइप लग जाएगा। और भाई दूसरी तरफ से ये ऑलमोस्ट राउंड है, ये इस तरीके से मेरे हिसाब से काम हमारा हो ही जाएगा। और ये जो छोटा वाला पाइप है, इसको भी हमें काटना है लगभग 3 फीट के आसपास में। दोस्तों, अब इसका जो कैप है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है निकल जाएगा, तो इसको चिपकाने के लिए हम यूज करेंगे इस एडहेसिव का, जो कि XYZ PVC एडहेसिव हमारे चैनल के लिए खास बनाया गया है। XYZ लिखा हुआ है, देखो यार। जस्ट किडिंग यार, इसका नाम ही ऐसा है। तो इसको जो है इसके आउटर वाले हिस्से पे और दूसरे वाले के अंदर वाले हिस्से पे हमें लगाना पड़ेगा। तो भाई ग्लू मैंने लगा दिया और इसको सिंपली ठोक देते हैं इस पे। तो ये तो हो गया बंद, एकदम सील हो गया पूरा। अब जो है हमें रिड्यूसर लगाना पड़ेगा और उसको भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर फिट करना है। तो भाई ये भी हो गया इसमें एकदम फिट, कहीं पर भी कोई लीकेज मुझे दिख नहीं रहा। तो अब हमारा जो छोटे वाला पाइप है उसको भी फिट करते हैं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर ये वाला पाइप भी फिट हो चुका है और हमारी जो पोटैटो कैनन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है। अब जो है हमें इसके अंदर एक इग्नाइटर लगाना है जिससे इसमें आग लग सके। तो भाई गन तो हो गई तैयार, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई फ्यूल भी चाहिए जो कि इसमें आग लगा सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस हेयर स्प्रे का। हेयर स्प्रे जो होता है बालों में लगाने का स्प्रे होता है, लेकिन ये जो है काफी तेज जलता है। इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैं इसको कुछ इस तरीके से चलाऊंगा और लाइटर जो है उसको चालू कर दूंगा यहाँ पे। आप लोग समझ गए होंगे कितना ज्यादा ये जलता है। तो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। जिससे कि भाई इसके अंदर ये पूरा फैल जाए। और साथ ही साथ में अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, ये ओपन है और जो लाइटर है वो चला जाएगा इस होल में। इसको मैं थोड़ा सा दबा लेता हूँ ताकि ये पीछे ना जाए। और आप देखना, 3, 2, 1, गो। इतना तेज तो साउंड था और वहां तक आग निकली है। तो अब इसमें जो है आलू डालते हैं। और भाई यहाँ पर इसके जो किनारे हैं पाइप को, उनको मैंने पैना कर दिया है ग्राइंडर से, ताकि इसके अंदर हम आलू जो है उसको डाल सके। और कुछ इस तरीके से जो आलू है ना, वो आप लोग देखना कि इसी की शेप में कट जाएगा। आप देखो कि गोल कटा है और इसमें फिट हो गया है। दोस्तों, इसके अंदर जो आलू है उसको हमें यहाँ नहीं रखना, लगभग उसको यहाँ पहुँचाना है। तो मैं इस लकड़ी के डंडे की मदद से इसको अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो कि ये
इतना इसके अंदर है, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 3, 2, 1 फायर। यार आलू जो है ना वो काफी ऊपर, उस पेड़ से भी ऊपर गया था। फायर। ओहो। देखो कितना दूर जा करके गिर गया, सिर्फ एक छोटे से आलू के इंपैक्ट से। यार दम है चीज के अंदर। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार वीडियोस के लिए, और वो जो घंटी का आइकन है बेल आइकन वो भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी मस्त अपडेट या वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।